नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन। आज देखेंगे ये एक स्प्रे मशीन का मोटर है, इसको मैं रिपेयरिंग करने वाला हूं दोस्तों। इसका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, प्रेशर नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो प्रेशर हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसका भी रिपेयरिंग हो सकता है दोस्तों। ये वाला किट सेट देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा रिपेयरिंग जो किट सेट है, तो इसको लेके आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं थोड़ा। देखिए दोस्तों, मोटर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो मोटर है ओके है, लेकिन इसका जो पंप है ये सही से काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। आपको ये सिर्फ 500 रुपये के जगह पे 50 रुपये में आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो स्क्रू है देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों, मोटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो बेरिंग लगता है दोस्तों, ये ओके है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ ये ओके है, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये जब घूमता है दोस्तों, ये वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पे, तो ये जो पानी है ये आगे फेंकता है दोस्तों, ये इसका इतना काम है। देखिए दोस्तों, ये ओपन हो गया है। यहाँ पे एक स्प्रिंग मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों अगर कुछ डस्ट या कचरा या छोटा छोटा कंकड़ पत्थर छोटा छोटा आ जाता है तो यहाँ पे जाम हो जाएगा, तो पानी आपका फ्लो कम हो जाता है दोस्तों। ये साइड में इनलेट है और यहाँ पे पानी वाइब्रेट होके यहाँ से जाता है दोस्तों, इससे इन होके यहाँ पे आउट होता है और इससे ये वाइब्रेट होता है। यहाँ पे मोटर, यहाँ पे ये बेरिंग से यहाँ पे वाइब्रेट होता है, तो ये वाला वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे पानी यहाँ पे जाता है आगे। तो इसको भी चेंज करेंगे दोस्तों, इसको निकालेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये किट है सब। देखिए दोस्तों, ऐसे निकाल देना है। मैं एक ही साइड का एक बार में चेंज करूंगा, फिर और एक बार खोलूंगा, दूसरा साइड चेंज करूंगा दोस्तों, इससे आपको आसान हो जाएगा दोस्तों। तो अभी ये वाला किट को भी मैं निकाल देता हूं दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये नया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नया है, तो अभी नया फिटिंग करना है दोस्तों। पहले इसको लगा देना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये किट को यहाँ पे प्रेस कर देना है ऐसा हाथ से। देखिए दोस्तों, ये लग गया है। फिर क्या करना है, ये वाला देखना है, ये लेना है, ये अंदर जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लग चुका है। फिर दो स्प्रिंग आएगा, एक अंदर साइड, एक ऊपर आता है दोस्तों। जो इनलेट है तो ऊपर आता है, जो इन होता है पानी। यहाँ पे एक लगा देना है, ये वाला देख सकते हैं छोटा छोटा, ये एक यहाँ पे उल्टा आएगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे।
देखिए दोस्तों, ये एक साइड लग चुका है और दूसरा साइड ये फूल देख सकते हैं ऐसा जैसे आएगा और एक स्प्रिंग ऊपर आएगा। दोस्तों इतना ही काम है, बस हो चुका है। ये वाला कैप देख सकते हैं दोस्तों, ये ओके है, इसको ऐसा ही लगा देना है। देखिए दोस्तों, एक साइड अच्छे से लग गया है, फिर दूसरा साइड खोलेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा साइड है। दूसरा साइड भी सेम रहता है दोस्तों, आपको एक एक साइड ही खोलना है और एक एक साइड लगा देना है दोस्तों। इससे आपको आसान होगा लगाने के लिए दोस्तों। दोनों साइड में एक ही बार में मत लगाइए, मत खोल दीजिए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है लगाने के लिए, कॉन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक साइड पहले लगा दिया, फिर दूसरा साइड लगाऊंगा। तो पहले क्या करना है, ये लेना है, देख सकते हैं, इसको ऐसा प्रेस कर दीजिए, लग गया। फिर ये वाला स्प्रिंग देख सकते हैं, एक स्प्रिंग को ये अंदर डालना है, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको स्प्रिंग रखने के लिए। देखिए रह गया। फिर ये वाला देख सकते हैं, ये लगा देते हैं। फिर ये वाला एक ऐसे प्रेस कर देना है अच्छे से, और थोड़ा सीधा कर दिए तो आ गया बाहर। देखिए दोस्तों, एक साइड लग गया और ये साइड ऐसे ही लगा देना है ये। फिर इसके ऊपर ये वाला देख सकते हैं, ये उल्टा आएगा ऐसे, देखिए। फिर ये वाला स्प्रिंग, फिर ये देखिए, इसको लगा देना है। स्प्रिंग को ध्यान से लगाइए दोस्तों, घूम ना जाए, अच्छे से लगाइए। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा लग चुका है हमारा किट, जो हेड में पंप सेट में पूरा किट हम चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा पुराना था, अभी मैंने पूरा नया डाल दिया है इसमें, ठीक है। अभी मोटर को फिटिंग करेंगे। ये ग्रीस ले लिया हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा ग्रीस डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगा देना है। यहाँ पे देखिए, ये मोटर है, देखिए दोस्तों मोटर आ गया। फिर इसका कवर, इस तरह से दोस्तों आप कोई भी ऐसे मोटर का आप किट चेंज करके उसको रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, और ये 100% काम करता है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, पूरा मोटर हमारा फिटिंग हो चुका है दोस्तों। अभी मैं चालू करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी कितना स्मूथ आवाज़ आ रहा है, पहले ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा था दोस्तों। अभी बहुत ही स्मूथ आवाज़ आ रहा है, जैसा नया मोटर जैसा। देखिए दोस्तों, thank you।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, धन्यवाद।